दोस्तों, एक बार फिर स्ट्रीमिंग की दुनिया में आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके मैं आया हूं, जिसका नाम है किलो व्यू P2। ये एक ऐसा एनकोडर है जिसके अंदर आपको बॉन्डिंग और एनकोडिंग दोनों फैसिलिटी एक साथ मिलती है, जिसके अंदर आप सिम कार्ड के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, डोंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, वाईफाई और लैन सबका मिला के भी आप बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कंपनी हमें मुहैया कराती है, फिर हम इसका ऑपरेशन समझेंगे। ये किलो व्यू का बॉक्स है, इसके अंदर सबसे पहला ये एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है, ये इसके अंदर ऑपरेशन का बेसिक मेथड दिया हुआ है, 1 to 10 जैसे अलग अलग स्टेप्स जो हैं 12 तक के, वो सारे स्टेप्स आपको दिखाए गए हैं क्विक स्टार्ट गाइड में। ये थैंक यू फॉर परचेजिंग, और ये है इसका सर्टिफिकेशन और वारंटी कार्ड। ये है हमारा एनकोडर, जिसमें इस साइड में हमारे पास दो वाईफाई के एंटीना के पोर्ट दिए हुए हैं और दो यूएसबी पोर्ट हैं, प्लस यहाँ पे हमारे पास दो सिम कार्ड के पोर्ट हैं और एक मेमोरी कार्ड का पोर्ट है, जिसकी मदद से आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विचेस हैं, एक रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ के लिए है और एक पूरा डिवाइस ऑन ऑफ करने के लिए है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है, दैट इज HDMI इनपुट, और ये है हमारा पावर प्लग, पावर इनपुट। यहाँ पे अगर हीटिंग होता है तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैन, मतलब एक्स्ट्रा फैन का फैसिलिटी हमको दी हुई है। इसके अलावा इसमें एक प्लग है, पावर एडेप्टर दिया हुआ है, ये USB2 लैन कनेक्टर का एक डिवाइस दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को लैपटॉप या डेस्कटॉप में लैन के थ्रू लगा के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर को। प्लस USB2 पावर का भी केबल दिया हुआ है, अगर हमें पावर सप्लाई लैपटॉप से देना है तो भी दे सकते हैं, और ये तो डायरेक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये डिवाइस बैटरी के ऊपर भी आपको 2 से 2.5 घंटे चल जाता है। इसके अलावा ये एक हॉट शू का भी एक कनेक्टर दिया हुआ है, जिसकी मदद से इस डिवाइस को आप कैमरे के ऊपर भी लगा सकते हैं और मोशन भी कर सकते हैं। अब हम इसका यूजर इंटरफेस सिस्टम के साथ देख लेते हैं, तो उसके लिए हम कनेक्शंस पहले लगा देते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पे हमने ऑलरेडी एक सिम कार्ड इसके अंदर लगाया हुआ है। आप एक साथ दो सिम कार्ड लगा सकते हैं और दोनों का बॉन्डिंग करके एक सिंगल इंटरनेट यूज कर सकते हैं। यहां पे आप दूसरा सिम कार्ड लगा सकते हैं। ये वाईफाई की डंडियां जो दी हुई है, ये हम लगा देते हैं इसमें। ये यहाँ पे ये USB कनेक्टर हम लगा देते हैं सिस्टम को लैन से कनेक्ट करने के लिए।
अब देखते हैं ये किस तरह से कनेक्ट होगा और किस तरह से ये ब्राउजर में ओपन होगा। यहाँ पे देखिए हमने सारे कनेक्शंस लगा दिए हैं, यहाँ पे हमने HDMI लगा दिया है, फिर ये USB टू LAN कनेक्टर लगा के ये डिवाइस हमने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इसी के अंदर हमने एक सिम कार्ड भी लगाया है और हम वाईफाई का नेट भी इसमें यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम के अंदर इस डिवाइस का डिफॉल्ट आईपी है 192.168.1.168। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हमें एडमिन देना है, पासवर्ड भी इसका एडमिन ही रहेगा। ये एनकोडर का पूरा UI आ जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे करना है हम वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहला हम नेटवर्क एंड सर्विस सेटिंग में जाते हैं, जिसके अंदर नेटवर्क मैनेजर पे हम जाते हैं। नेटवर्क के अंदर हमने जो कुछ भी कनेक्टिविटी लगाई है, देखिए जैसे नीचे की तरफ ओपन ओमनी सर्विसेज में देखिए 3G 4G मॉडेम जो लिखा हुआ है, वहां पे हमने एक सिम कार्ड लगाया हुआ है। अब हम स्क्रॉल करके ऊपर देखते हैं तो देखिए डिफॉल्ट वाईफाई भी हमारा इसके साथ कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे सिम कार्ड और वाईफाई दो चीजों का हम बॉन्डिंग करके एक नेटवर्क जनरेट कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम जाते हैं नीचे कनेक्ट KiloView सर्वर में। ये क्या करेगा, दोनों को बॉन्डिंग करके एक सर्वर का एड्रेस आपको बना के दे देगा। तो यहाँ पे हमें जो सर्वर का एड्रेस आया है दैट इज 164.52.218.126। ये हम गूगल क्रोम में उसके बगल में एक दूसरा टैब ओपन करेंगे और वहां पे हम सीधा उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमें KiloView सर्वर का लॉगिन आ जाता है। यहाँ पे हमने एक लॉगिन पासवर्ड परचेस किया हुआ है तो हम उससे लॉगिन हो जाते हैं। ये हम लॉगिन हो गए हैं। यहां पे डिवाइस मैनेजमेंट में देखिए हमारा डिवाइस इसमें कनेक्ट दिखा रहा है और डिवाइस हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमें वो उसका प्रीव्यू स्क्रीन आ जाता है। अब हम यहाँ पे ऐड स्ट्रीम सर्विस में जाते हैं। अब जिस प्लेटफॉर्म पे हमें स्ट्रीमिंग करना है वो और हमने फंक्शन का जो डिटेल है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। सैंपल के तौर पे हम यहाँ पे KiloView लाइव टेस्ट ऐसा एक नाम बनाते हैं स्ट्रीमिंग का, मेन स्ट्रीम। अगर आप YouTube पे कर रहे हैं तो दैट इज RTMP, तो हम यहाँ पे RTMP सिलेक्ट करते हैं। अब पुश सर्विस इनेबल किया और पुश एड्रेस में जाते हैं। पुश एड्रेस में जाने के बाद हम YouTube का हमारा चैनल स्टार्ट करते हैं, वहां पे गो लाइव में जाते हैं। सॉरी, जैसे ही हम YouTube में गो लाइव में जाते हैं तो यहां पे हमारे पास YouTube स्टूडियो का पेज आ जाता है, जिसमें से हम उसका RTMP का स्ट्रीम कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम उसे यहां पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाया प्लस, उसके बाद नीचे हम उसका स्ट्रीम की कॉपी करेंगे। स्ट्रीम की कॉपी करके उसको भी उसके बाद हमने पेस्ट कर दिया। अब यहां पे यूजर नेम पासवर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा यहां पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया है। फिलहाल हमने इसमें जो HDMI इनपुट दिया है वो हमने इसी डेस्कटॉप का इनपुट इसके अंदर दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रीव्यू कब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा लाइव स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से हम हमारा लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इसी सिस्टम का HDMI आउट हमने एक्सटेंडेड मॉनिटर की तरह से निकाला हुआ है। तो फिलहाल ये हमारा विंडोज 11 है तो उसका डेस्कटॉप हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर दो टैब है, ये फर्स्ट वाला जो टैब है यहाँ पे हमारा सोर्स हमें दिख रहा है, मतलब कि KiloView सर्वर के थ्रू हमारा स्ट्रीमिंग हो रहा है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट मतलब कि जो YouTube चैनल के ऊपर हम जो आउटपुट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे प्रीव्यू ले रहे हैं। अब इसी जगह पे अगर हम एक और एक्स्ट्रा स्ट्रीम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से और भी एक्स्ट्रा स्ट्रीम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब कि एक ही डिवाइस से हम बॉन्डिंग भी कर सकते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे हम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा स्ट्रीम करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म की URL सेम वे जिस तरह से हमने YouTube की डाली उसी तरह से हम Facebook के पेज की भी URL डाल सकते हैं। तो एक ही डिवाइस हमें
बॉन्डिंग भी करके देता है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमिंग भी करके देता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें फोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे फोन नंबर्स वगैरह डिटेल दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।